तो हम गए दोपहर में, जून जुलाई का टाइम था, वो तपती धूप और उसमें नीचे मतलब जो रेत होता है, अगर आप खेत में खड़े होंगे तो आपके पैर जल जाएंगे बिल्कुल। तो उसके अंदर हमने सेटअप लगाया, एक पूरा एक अखाड़ा बनाया और वहाँ पे हमने अपना सेटअप लगाया, डंबल वम्बल लगाए। मैंने कहा चल संजय ना वीडियो शूट करते हैं। तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और आज मैं आपको बता दूँ, मेरे को 3.5 से 4 साल हो गए हैं, मैंने प्रोटीन तक नहीं लिया है, सप्लीमेंट कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। मेरे सारे जितने भी एथलीट्स जो कर रहे हैं, किसी को आज तक मैंने प्रोटीन की स्कूल तक नहीं दिए, सारे बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं और उनका शरीर मैं निकालता हूँ। और आप एक इन्हीं की एज के बच्चे को देखेंगे जो सारी चीज़ें ले रहा है, शायद उससे अच्छा दिखेगा। मैं दोनों को खड़ा करूँगा बिल्कुल खींच के स्माइल के साथ, जबरदस्त मस्कुलर मार, एक बार फ्रंट मार मस्कुलर, पूरा फ्लो में ले गया। तो कभी किसी के भाई के जिम में आता चोट नहीं लगी है? और मतलब सब ये सोचते हैं भाई ये ऐसे क्यों बैंड इनके साथ इंजरी हो जाएगी, ये कैसे होगी, मेरे को ये बताओ। अब एक बात बताओ भाई, एक कर रहे लोहे के डंबल से वर्कआउट और वही वेट मैंने बना दिया पत्थर का, कैसे हो? वेट ही तो है, वेट तो सेम, वेट हमने वेट ही तो लिफ्ट करना है। हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियंस। एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक एथलीट है, आज हम आपको दिखाएंगे पूरा बिल्कुल देसी एक एथलीट हमारे भाई। देसी नाम आते ही वैसे आप सब लोग पहचान गए होंगे, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, विपिन देसी भाई। विपिन देसी भाई कैसे हो आप? विपिन देसी भाई हैं अपने साथ, इनकी आपने रील्स देखी होगी, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो विपिन भाई ही दिखेंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। एक ये गांव है, आप देखो चारों तरफ, इन्हीं के बीच में भाई ने एक अपना बहुत सुंदर सा जिम बना रखा है, बहुत ही पुराना जो 90s का जिम होता था। तो हम आपको जिम के अंदर लेके चलते हैं और वहीं भाई से इंटरव्यू लेंगे। विपिन भाई का जिम, विपिन देसी फिटनेस, क्या जबरदस्त भाई ने फोटो बनवा रखी है। देखो टायर्स, ये बिल्कुल देसी पोर्शन बना देंगे ना, बहुत अच्छे लगेंगे ताकि हर व्यू के अंदर बंदा थोड़ी कम सही साइड का पास, एक साइड ये, एक साइड ये, तीनों वैसे होना भी चाहिए था। सही ये साइड का पास, एक साइड वो, एक साइड ये, तीनों वाले से करने का अच्छा बढ़िया। तो हेलो विपिन भाई, सबसे पहले तो आपको राम राम भाई। विपिन भाई, ये देखा हमने, आप सब लोगों को दिखाया एक जिम का बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट। 22 में हम हैं, 2022 में, 2023 में हम जाने वाले हैं, और 90s का सेटअप जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, जो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा। अभी आपको आगे वीडियो में पूरा विपिन भाई का जिम देखने को मिलेगा। तो विपिन भाई, कहाँ से इन सब की शुरुआत हुई, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट आई है ना, एक जब बचपना होता है तो बचपन में हम ना क्रिएटिव चीज़ें करते रहते हैं। जैसे बचपन में भाई भी बता रहे थे कि मैंने चक्की के पास से वर्कआउट किया तो मतलब ऐसी क्रिएटिव चीज़ें, जैसे हमने उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ हम आर्नोल्ड को देखते थे, मतलब यूट्यूब इतना था नहीं, तो थोड़ा बहुत होता था तो आर्नोल्ड सर को देख लिया, अच्छा वो ऐसे वर्कआउट करते हैं। फिर ढूंढते थे कि यार कौन सी चीज़ हो सकती है हमारे आसपास जिससे हम ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं, तो फिर चीज़ें ढूंढते थे, यहाँ चक्के के पार्ट हो गए, फिर किया गया सीमेंट से बना सकते हैं हम। तो मैं था 11th क्लास में था, तो उस टाइम पे फिर हमने सीमेंट से क्या किया, डंबल बनाया। एक डंबल मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वहाँ पे रखा हुआ था पहला डंबल हमारा, वो तो हमने सीमेंट से बनाया वो डंबल, ईंट वगैरह लगा के, तो मतलब हमारा डंबल काफ़ी मजबूत बन गया और हमसे वर्कआउट करने लगे तो फील आने लगी। उसके बाद हमने 11th और 12th में वर्कआउट किया अपने खेतों में, अभी तो यहाँ चीज़ें काफ़ी डेवलप होगी, लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ मेरे हिसाब से 10 से 12 किलोमीटर के आसपास भी कोई जिम थी नहीं। तो भाई वर्कआउट करना है, जिसको कीड़ा वर्कआउट करने का वो तो करेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही देगा। तो हमने भी ऐसा जुगाड़ निकाला, चीज़ें बनाई। फिर उसके बाद 12th के बाद मैं चला गया दिल्ली, और दिल्ली का माहौल देखा, वहाँ पे देखा कि लोग कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं था, मतलब पोल्यूटेड थी सारी चीज़ें, राम राम भाई। तो वो देख के जब मैं घर आया वापस, तो मैंने सोचा यार जियो आया था उस टाइम पर, वो जियो ने जो बूम दिया है ना इन्फ्लुएंसर को, वो इतना तगड़ा दिया है कि उस टाइम पर जो उठ गया ना उसे मतलब काफ़ी अच्छा किया है, और अगर चीज़ें अच्छी थी लोगों ने और भी प्यार दिया। तो उस टाइम पे हमने भी सोचा कि यार हम वीडियो बनाते हैं, और हमने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देखिए मेरे साथ संजय है, तो संजय को शौक था कि यार हमें मेरे को कैमरा चलाना है, और चलो ठीक है वो कैमरा चला, मेरे पास एक आइडिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम गए दोपहर में, जून जुलाई का टाइम था, वो तपती धूप और उसमें नीचे मतलब जो रेत होता है, अगर आप खेत में खड़े होंगे तो आपके पैर जल जाएंगे बिल्कुल।
तो उसके अंदर हमने सेटअप लगाया, पूरा एक अखाड़ा बनाया और वहाँ पे हमने अपना सेटअप लगाया, डंबल वंबल लगाए। मैंने कहा चल संजय ना वीडियो शूट करते हैं, ये पहले वीडियो की बात है, ये पहले वीडियो की मतलब जुनून इतना था मुझे, ये हमें ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। सबसे मेन चीज़ आज क्या सोचते हैं यार, सोशल मीडिया पर पैसे कमाएंगे है ना, नेम फेम आएगा। मेरा ये था कि नहीं, पैसा वैसा सेकेंडरी चीज़ है, पहले क्या करना है, जो कंटेंट जो माइंड में चल रही है चीज़ आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। तो हम गए वहाँ पे और दोपहर में पैर जल रहे हमारे, सर में पसीने, बिल्कुल टैन होगी पूरी बॉडी, लेकिन फिर भी लग रहे हैं कि हाँ भाई वीडियो बनानी है। भाई पहली वीडियो बनाई, शूट काफ़ी अच्छा है नो डाउट, हमने देखा, आज भी हम देखते तो हमें बहुत प्यारी लगती है। हमने क्या किया वहाँ पे, उसके पीछे ना म्यूज़िक लगा दिया, जैसे भाई जितने मोटिवेशन वीडियोज होते हैं ये नहीं पता था कॉपीराइट पे आता है कुछ ऐसा होता है। तो जहाँ जहाँ लगा, जैसे शिव तांडव लगा दिया कहीं पे, भाई मोटिवेशन सॉन्ग लगा दिए, तो मतलब वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी आ गई। हमने सोचा यार वीडियो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी देखने में, अपलोड करते हैं। अपलोड किया तो सीधी सी बात है कॉपीराइट आना था। कॉपीराइट आया, एक वीडियो डाली, दूसरी डाली, उस पर कॉपीराइट आया। फिर हमने सोचा यार कुछ ना ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो अपने ओरिजिनल कंटेंट की हो और वो रीच आउट हो। तो मेरा ना एक खुद से एक अंदर से एक पैशन था कि यार मेरे को ना कुछ मोटिवेशन लोगों को बोल के सुनाना है। तो मैंने क्या किया, वो बोल के रिकॉर्ड किया पहले कैमरा में, और वो मतलब इतना अच्छा आया निकल के, मतलब मैंने उसको 10 से 15 20 25 बार सुना उसको, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने एक सेटअप लगाया सेपरेट, देसी का जो मैं खेत के बीच में था वो मैंने अपने घर के पीछे लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें फूली वूली डाल के उसमें, तो सेटअप काफ़ी अच्छा हो गया। फिर हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उस वीडियो पे हमारे 4.5 मिलियन उस टाइम में बहुत होते थे, शुरुआत हुई थी तो 4.5 मिलियन बहुत होते थे और बहुत प्यारा सपोर्ट मिला लोगों का। वो वीडियो थी जिसने मतलब चीज़ें चेंज की थी, और ऐसा नहीं था कि पहली वीडियो से, पहली वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी गई, मतलब 5 to 6 lakh हमारे व्यूज़ हो गए थे उसके ऊपर उस टाइम पे। अगर किसी के चैनल पे पहली वीडियो डालते हो 5-6 lakh व्यूज़ आ जाते हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहाँ से आई, तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई यूट्यूब की, फिर धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा एक्सपेंड करना शुरू किया। उसके बीच में मैंने 3 साल गेम भी कॉम्पीट किए, कहा भाई मेरे से यही पूछते थे कि भाई आपने कैसे रेड वगैरह भी सारी चीज़ें, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, हाँ भाई लिए थे, और वहीं से मेरे को सबक मिला था। एक रियलिटी में बताता हूँ इस चीज़ को करने का ना, वहाँ से भी मेरे को एक ना सबक मिला था, एक लेसन मिला था। अब दिल्ली में शुरू किया था जब जिम किया, तो वहाँ बताया आपको स्ट्रेट वगैरह ले लो। नहीं नहीं भाई नहीं था, मतलब मैंने खुद कहा था कि मेरे को गेम कॉम्पीट करना है। कब की बात है विपिन भाई? भाई हो गई 16 की है, 15-16 की है, 2015-16 की बात है, 15-16 की है। तो उस टाइम पे फिर जब गेम की प्रिपरेशन होती है, सीधी सी बात है, अगर आप इतने हैं और आपका कॉम्पिटिटर इतना है, तो आपको इतने से इतने होने में आपको चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरल से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पे हमें भी उतनी नॉलेज नहीं थी यार क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हुई, जैसे कोच ने बताया जैसे किया। और मैं कोच को भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्हें भी अपने एथलीट्स को एक अलग लेवल पे लेके जाना होता है कि यार हमारे एथलीट्स कुछ अच्छा करें। तो वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें यूज़ की, लेकिन ना एक अंदर से वहाँ पे ना चीज़ें भर गई थी। 2-3 साल जब खेला ना कि यार लाइफ में यही है क्या बस, कि इंजेक्शन लगाओ गेम खेलो और ख़त्म, फिर अगले गेम की तैयारी शुरू कर दो। ये तो बताओ कि फ्यूचर क्या है, मिल क्या रहा है वहाँ से, असली बात ये है, असली बात ये, और एथलीट्स को मिल क्या रहा है। मैं तो हर एथलीट से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 90% है जो एक अलग लेवल पे अच्छे लेवल पे, लेकिन 90% को मिल क्या रहा है। मैं फेडरेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना थोड़ा सा ये एथलीट को खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि फेडरेशन तो रोज़ नहीं नहीं आएगी, नए नए बिजनेस चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें खुद से आपको खुद पूछनी पड़ेगी कि आपको मिल क्या रहा है, है ना। तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और आज मैं आपको बता दूँ, मेरे को 3.5 से 4 साल हो गए हैं, मैंने प्रोटीन तक नहीं लिया है, सप्लीमेंट कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। मेरे सारे जितने भी एथलीट्स जो कर रहे हैं, किसी को आज तक मैंने प्रोटीन की स्कूप तक नहीं दिए, सारे बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं, और उनका शरीर मैं निकालता हूं। और आप एक इन्हीं की एज के बच्चे को देखेंगे जो सारी चीज़ें ले रहा है, शायद उससे अच्छा दिखेगा, मैं दोनों को खड़ा करूँगा। बिल्कुल आप जान में आ जाओ, स्ट्रेंथ में आ जाओ, अगर यहाँ पे खड़ा हो तगड़ा दिखेगा, स्ट्रेंथ में तगड़ा दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहा था, एक लेसन मिला था कि यार इन चीज़ों को मेरे को और ज़्यादा नहीं करना है, और ना ही लोगों को इस चीज़ के बारे में और आगे दिखाना है कि ये चीज़ें मतलब ये चीज़ खा के बनाई है। तो 4 साल ना लेने का सिर्फ ये एक पर्पज यही है कि आप नेचुरली भी खुद को ग्रो कर सकते हो बिना सप्लीमेंट के भी, और इतनी बॉडी होनी चाहिए आपकी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बंदा ये कहे कि हाँ यार अच्छा है, बंदा फिट है, बिल्कुल ठीक है। कि आप गेम कितने लोग परसेंट कॉम्पीट करते हैं आप बताओ भाई, 1% भी नहीं कर पाते हैं। 1% मैं तो 10% लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो 90% है उनको तो फिट रहना है। बिल्कुल। अब आप मेरे को अच्छे बाइसेप्स बनाने, अच्छी चेस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा कि अच्छे ऐसे कोच के पास जाऊँगा तो मेरे को सही डाइट बता सके। बिल्कुल, इतना इनफ है। बिल्कुल। लेकिन इससे ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम बेवकूफ़ है। जो भी जा रहा है, जो यंग जनरेशन में जो है, जो भी जा रहा है वो मतलब बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ है ये कहूँगा मैं। तो आप क्या करें, अपनी डाइट यार कोच ऐसा रखे। अब एक गलती भाई बताएं, स्टूडेंट्स की भी होती है। बिल्कुल। अब मैं हूँ, मैं आपके पास आया और मैं आपको फीस नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, वो पैसे तो निकालोगे आप। आपने जिम बनाई हुई है, कहीं ना कहीं से जिम बनाई हुई है, किराया दे रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से निकालोगे आप? बिल्कुल। आप कहाँ से निकालोगे क्या? वो आपको कोचिंग के पैसे दे नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, सामान दोगे उसको, यार इसमें निकल सकता है और रिजल्ट भी उसको मिल जाएगा। अब जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप भी सेटिस्फाई हो, सामने वाला भी सेटिस्फाई है। अगर एक बंदा आपको सामने कहेगा भाई मेरे को नेचुरली ग्रो करना है, आप ये फीस पकड़ो, ये फीस है,
मेरे को सप्लीमेंट लेना ही नहीं है, तो बात ही खत्म है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने भाई। और मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा यहाँ आने का पर्पज यही है हमारे चैनल से, कि हम यही दिखाना चाह रहे हैं पूरी इंडिया को, विपिन भाई के द्वारा भी, और भी मैं आगे लोगों से मिलवाऊंगा आपको। हमने पहले भी एथलीटों के इंटरव्यू लिए हैं कि अगर आपको कम्पीट नहीं करना ना कहीं पे, आपको खेलना नहीं है कहीं, स्टेज पर नहीं चढ़ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ खाने की। नेचुरल डाइट से भी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी विपिन भाई के भी बॉडी आपने देख रखी है चैनल पे, आज भी दिखाएंगे और इनके स्टूडेंट भी दिखाएंगे आपको। नेचुरल डाइट में बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ नेचुरल डाइट में। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप नेचुरल डाइट लेके चल रहे हैं, और अगर कोई भी कोच है जो भी मेरे को आज सुन रहा है, तो आप जिस एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं ना, उसको आप किसी ऐसी एकेडमी से जोड़ें जो उनको एक सर्टिफिकेट भी दे इसके साथ साथ। अब आप हो भाई, अब 2 साल खराब करोगे आप एक कोचिंग लेकर, और आपको साइड में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप दिल्ली गुड़गांव में कहीं कोचिंग देने जाओगे किसी ऐसे पर्सन को, जो जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो क्या चाहेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट क्या है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने 2 साल कोचिंग किया वहाँ रह के, तो आप गेम कॉम्पीट करो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर्टिफिकेट है उसके सारे, उस नॉलेज के सारे आप किसी को कोचिंग भी दे सकते हो। कम से कम एक रोजगार का अवसर मिल जाएगा, रोजगार का अवसर ना हर एथलीट को आप दें जरूर से जरूर, और उसको एक बिजनेस माइंड जो है ना वो साथ में लेके चले, कि बिजनेस सेट उसका। अभी क्या करते हैं हम, सिर्फ एथलीट बन के रह जाते हैं, लेकिन आपको बिजनेस माइंड भी एक साथ में लेके चलना पड़ेगा कि यार कल को अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। अब ऐसा तो हो कि मेरा एक पैर मजबूत हो, ऐसा ना हो दोनों पैर टूटे हुए मैं गिर जाऊँ, तो एक पैर आपको मजबूत रखना पड़ेगा आपका। दोस्तों मैं जानता हूँ बहुत सारे एथलीटों को जिन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है और काफ़ी अवार्ड लिए हैं, पर आज उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो यही है कि उन्होंने सिर्फ अपने गेम पे फोकस किया, बिजनेस माइंड सोचा ही नहीं, और कहीं अभी लाइफ सेट नहीं करी। करो भाई, क्योंकि ना मैं सही बता रहा हूँ, ये नेम फेम एक टाइम तक काम आता है। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, तो एक टाइम तक ही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उस तारीफ के लिए आप अपनी जो फ्यूचर की जो लाइफ है ना उसको ख़राब ना करें। मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा कमा लें आज, लेकिन ऐसा कमाएं कि आपके अंदर आपकी बॉडी किसी भी तरीके से डैमेज ना हो रही हो अंदर से, है ना, आप स्ट्रॉन्ग हो, इनर आपकी किसी तरीके से कोई भी ऑर्गन्स आपके डैमेज ना हो, आप तरीके से सारी चीज़ को करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो विपिन भाई, अब भी हम इंटरव्यू चल रहा है आपके, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं छोटे बड़े, जो ये वर्कआउट कर रहे हैं सब भाई नेचुरल हैं क्या? भाई सारे नेचुरल है, और हर एक का रिजल्ट मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा होगा, मैं तो क्या ही कहूँगा, एक एक दिन लोगों ने देखा है, एक एक वीडियो। अब मैंने बीच में वीडियो डालना बंद भी इसलिए नहीं किया ताकि लोग देखें, मैं इनको करो होते हुए देखा है, अनिल को देखा है, अनिल का 120 केजी वेट था, मतलब ना स्ट्रेंथ थी ना पोजिशन थी उस टाइम पे, आज ही 75 में है। आप इसका शरीर निकलवाएंगे 75 में, अभी ये आप देखेंगे साइज वाइज सारी चीज़ें, मतलब तगड़ी है, इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। मैं जंप कराऊंगा उस टायर पे, उस टायर पे 30 जंप नहीं कर सकता नॉर्मल बंदा, ये बंदा 100 150 200 जितने करा वो ऊंचा वाला टायर है, उस पर अभी नॉन स्टॉप करेगा, सांस भी चढ़ेगा इसको, और बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। इनसे ये पहले ना प्रोटीन वगैरह लेता जब जिम में जाता था, इसके प्रोटीन सप्लीमेंट सारे बंद कराए हैं, और वो चीज़ें इसकी डाइट में कन्वर्ट कराई है मैंने, नेचुरल डाइट में, नेचुरल डाइट में कराई है। अब क्या होता है तोड़ तोड़ के कराई है वो, बिल्कुल। अब क्या होता है ना, सब एक तो सुबह खा लिया, एक शाम को खा लिया, बीच में कुछ नहीं है। अब मैंने क्या कराया कि 6 मील बना दी, तोड़ तोड़ के बना दी मील, ताकि कंज्यूम भी इजिली हो और रिकवरी भी साथ साथ हो, हर 2-3 घंटे के बाद एक मील, एक मील चलेगी, रिकवरी अच्छी, स्ट्रेंथ अच्छी, और बढ़िया करेंगे, और वेट भी काफ़ी कम कर लिया, बिल्कुल। और मैं हर किसी की बॉडी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं फैट अटक गया। अब भाई क्या हो रहा है आज के टाइम में, अगर मेरे को वेट रिड्यूस करना है तो क्या करोगे आप, कार्डियो कराओ, फिर क्या रहेगा, फैट लटकने लगेगा आपका, बिल्कुल। अब जो मसल्स है उसको अगर आप बनाओगे नहीं, मसल्स के ऊपर काम ही नहीं हुआ है, तो मसल्स लटकेगी और डैमेज होनी है, तो उसके बाद आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी अगर आपका ओवरवेट है तो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हो अच्छे से, उस मसल्स को बढ़िया तरीके से कार्डियो कर रहे हो, तो मसल जो है आपकी बनेगी, वो फैट नहीं होगा वो। तो ये चीज़ भी मैं आज काफ़ी देखने को मिलती है कि एक स्ट्रेंथ का काम नहीं होता या फिर वेट ट्रेनिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कार्डियो कार्डियो। सिर्फ हमें ये होता है कि सोशल मीडिया पे ये दिखाना है कि पहले वेट 120 था और अभी 80 हो गया, मैंने 40 केजी वेट कम कर लिया, लेकिन आपने वो क्वालिटी तो नहीं आपकी मसल्स में, वो क्वालिटी तो है ही नहीं, कहा है, और ब्यूटी खत्म हो गई, पूरी ब्यूटी खत्म हो गई, फेस आपका ऐसा हो रहा है। आप एक बार ना सबके आप ग्लो देखना फेस पे सभी बच्चों के, और आप इनकी बॉडी देखना, पोजिंग देखना। मैंने सबसे पहला जो काम किया इनका वो किया पोजिंग के ऊपर भाई। अब अगर आपकी पोजिंग अच्छी है, देखो आपने वर्कआउट कर लिया, मैं सीधी बात बताता हूँ, आपने वर्कआउट कर लिया और आप अपनी मसल्स को फ्लेक्स करके पोज डाउन नहीं कर रहे हो, तो आपका आधा वर्कआउट खत्म हो गया, बिल्कुल। मतलब आपने आधा वर्कआउट किया ही नहीं, लेकिन हर सेट के बीच में अगर आप पोज डाउन कर रहे हैं तो एक तो आपकी क्वालिटी निकल के आएगी, दूसरा आप अगर कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है पोजिंग के साथ। और दूसरा मैं बता दूं कि जब हम वर्कआउट के दौरान उसी मसल्स की पोजिंग करते हैं, उसी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल का साइज भी गेन ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो विपिन भाई जैसे बिल्कुल यहाँ पे अपने हैं, तो कभी किसी की इंजरी विंजरी? भाई मैं इनसे पूछवाता हूँ, आओ भाई सारे आओ, मतलब एक होता है ना माइनर इंजरी, वो तक नहीं हुई है। आ भाई मैं
तो कभी किसी के भाई के जिम में आता चोट नहीं लगी है। और मतलब सब ये सोचते हैं भाई ये ऐसे ही क्यों बैंड इनके साथ इंजरी हो जाएगी। हाँ, ये कैसे होगी मेरे को ये बताओ। अब एक बात बताओ भाई, एक कर रहे लोहे के डंबल से वर्कआउट और वही वेट मैंने बना दिया पत्थर का, कैसे वो वेट ही तो है, वेट तो सेम, वेट हमने वेट ही तो लिफ्ट करना है। बिल्कुल ये हो गया अनिल, लोग आपके सामने सारे वर्कआउट कर रहे हैं और जैसा वर्कआउट आपने आज तक उसकी वीडियो देखो आज के लिए ये नेचुरल चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और पूरी अपनी डाइट के सारे चल रहा है पूरा। तो जब ये बच्चे कर सकते हैं तो आज की जनरेशन का और क्यों कोई क्यों नहीं कर सकता बच्चा, तो न्यू जनरेशन। मैं कभी चोट वोट लगी आपको यहाँ पे कितनी एज है अभी? मेरी 18 हो गई। 18 साल के हैं मैं। और कभी लगी आपको इसकी? कितने कितने साल से कर रहे हो? मेरे को 2 साल हो गए। उस टाइम 2 साल से हो गए। तो कभी कोई और बताएं भाई भाइयों को, और अभी डाइट बताओ भाई ने अभी डाइट क्या बताई? डाइट वही नेचुरली चल रही है, अभी चने वगैरह और अंडे वगैरह बस यही बना खाई, चिकन हो जाता है, चिकन हो जाता है, एग्स वगैरह हो जाते हैं और स्प्राउट्स वगैरह बस यही चलते हैं। कोई सप्लीमेंट? मैं सप्लीमेंट कोई प्रोटीन पाउडर नहीं, कुछ नहीं, कोई BCAA कोई और कुछ कुछ नहीं ना। तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, जरूरत भी नहीं है, बॉडी भी दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे। अनिल बताया नहीं यहाँ एक बार? अनिल जी आओ आप भी, मतलब 2 साल हो गया इसको आए हुए भी। 2 साल में कितना पहले तो लिया था प्रोटीन वगैरह? हाँ भाई पहले तो प्रोटीन वगैरह लेता था, और वही चीज है कई चीज़ें आप जिम में भी जाओगे ना तो कोई भी ट्रेनर ना आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा, कि वो सोचता है कि मेरी फीस तक मतलब है, अगर मैं इसको पूरा आगे तक ले जाऊंगा मेरा क्या प्रॉफिट है। अगर से अब वो पर्सनल फीस दे रहे हो आप तो वो बताएगा, और वो भी उसमें ज़्यादा वो नहीं सोचेगा, वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा। तो इसीलिए भाई ने यहाँ पे सभी के लिए फीस भी फ्री रखी और डाइट भी प्रॉपर, भाई जो डाइट बताता था वही डाइट आगे नेचुरली डाइट है अपनी, जैसे दिन में अंडे ले लिए, एक डाइट में अंडे हो जाते हैं, एक में चिकन हो जाता है, दोपहर में अपने राइस वगैरह हो जाते हैं, गेनिंग के टाइम में आलू और चावल हो जाते हैं और दही वगैरह हो जाता है, अपने भाई कटिंग के टाइम में क्या होता है खाली अंडे और चिकन चल जाए तो उसी कटिंग भी आ जाती है, डाइट सही कर रहे हैं अपने नॉर्मल भाई ये बिल्कुल नेचुरल डाइट करके। और स्ट्रेंथ का यहाँ ऐसा है कि भाई ने स्ट्रेंथ भी इतना काम कराया है कि जो बंदा रेस में है तो रेस मारेगा तो वो भी आप जाएगा उतनी जल्दी, हम नहीं थकेंगे किसी भी स्ट्रेंथ कार्डियो में किसी भी एक्सरसाइज में, हर फील्ड में तैयार हैं हम, आर पार करके, ऐसे नहीं कि मतलब एक एक ही आर पार वाट आ गया, रास्ता कटना है किसी फील्ड में हो। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं अनिल भाई की आप फिजिक देख रहे होगे कितनी बढ़िया फिजिक है भाई की, फ्लेक्स करेगा फ्रंट वाला बाइसेप्स मारे बार इसका पूरा खींच के, जबरदस्त बहुत जबरदस्त ये बॉडी, ये फिजिक बिल्कुल नेचुरली है, बिल्कुल नेचुरली, नेचुरल का मतलब इतना नेचुरल इन्होंने आज तक कभी प्रोटीन भी नहीं लिया, पहले लिया है जब पहले किसी और जिम में जाते थे। जब भाई को कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? भाई 2-2.5 साल हो लिए कम से कम मेरे को। उस टाइम भाई ने मेरे हिसाब से गांव में बहुत से बंदों को बुलाया था यहाँ पे जब खोली थी, तो बंदे सब ये सोचते थे कि ऐसे ये क्या है, कर लिया कोई भी कर लेते ऐसे जिम में बना ले हर कोई शरीर बना ले, बट वही चीज़ है मैं भी जिम करता था पहले, तो मैंने सोचा यार मैं वहाँ जाता हूँ या भाई के पास आया, भाई उस टाइम पे गेम वगैरह भी कॉम्पीट करता था, तो भाई ने मैं सोची भाई के पास ही आ गए फिर यहाँ पे करने लग गए हम, 2 हुए फिर हम 2 से 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारी चेन बनी है अपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिजिक है भाई की, अभी वर्कआउट भी दिखाएंगे आपको। अच्छा एक क्या नाम बताया था इनको आपका? अनिल नाम है। अनिल भाई ये मुझे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि यूथ को बता रहे हो आप पूरी इंडिया के बच्चों को कि आपने विपिन भाई के यहाँ पे देसी जिम में वर्कआउट किया इस जिम में, और जो आपने गुड़गांव में जिम कभी कभी जिम किया होगा कहीं पे वहाँ पे जो प्रोफेशनल जिम है उनमें क्या डिफरेंस लगा? उनमें डिफरेंट बहुत है भाई, कि आप जिम में जाओगे ना तो उन जिमों में क्या होता है, एक तो बंदा हल्का सा वर्कआउट किया आपने 2-3 रैप लगाए उसके बाद डंबल लग गया सांस फूल जाएगा उसका जब तुरंत, जैसे एक्सरसाइज जिम में जाते हैं प्रॉपर, मैंने बहुत से बंदे देखे डिप्स लगा रहे हैं 2-4 लगाए छोड़ दिए, वो ये नहीं करते मसल्स पे लोड नहीं डालते, जब मसल्स पे लोड डालने का टाइम होता है ना तो उसको छोड़ देते एक्सरसाइज हो गया, कंफर्टेबल जोन में वर्कआउट करते हैं, कंफर्टेबल जोन में एक आना वहाँ पे क्या बेसमेंट में जिम होती है फिर खुले में हवा सांस भी नहीं ले पाते, वही है सांस वहीं का सांस वहीं घूमता रहता है अंदर उमस रहती है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो मतलब बंदे वहाँ पे जिम में बता तो रहे कार्डियो वगैरह तो ऐसा चीज है ही नहीं, यहाँ पे खुले में है मान ले कुछ भी रेस करनी है तो भी ये रोड रहे अपना सड़क रही है आप बांध रहे खेतों इनमें करते हैं नेचुरली, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन खुला एरिया है तो इसके अंदर ऑक्सीजन आराम से ले सकते हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ सरसों का खेत है और बीच में वर्कआउट है तो अपने आप ऑक्सीजन लेवल कितना हैवी होगा। ये मयंक है, इसको भाई के पास आए हुए विपिन भाई के पास आए हुए 2 साल हो गई है और मयंक बिल्कुल नेचुरल है, 18 साल मयंक की एज है और मयंक की फिजिक आप लोगों ने देखी होगी, मैं अभी फिर से दिखाता हूँ और एक बार बॉडी दिखाओ मयंक भाई अपनी, कोई वार्म अप नहीं है अभी और कोई वार्म अप कोई पंप नहीं कर रखी बॉडी है, बस आए हैं अभी करेंगे वर्कआउट करेंगे अभी पंप के बाद ही दिखाएंगे आपको, प्योर नेचुरल मयंक
आप लोगों के आगे कुछ पोजिंग दिखा, एक बढ़िया सी मार के साइड पर। हाँ साइड की लेग पर पूरा खींच के स्माइल के साथ जबरदस्त मस्कुलर मार, एक बार फ्रंट मार मस्कुलर पूरा फ्लो में ले गया। डबल बाइसेप्स मार पूरा खींच के ले गया। चला नहीं मार के साथ साथ चलो आजा भाई अमन तू भी आजा। अमन को हुए मेरे पास अभी 2 महीने, मैं क्या करके सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक बार। देखा ये भी इसने भी गेम कॉम्पीट किया था।